हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस कि इस समय आपको क्या सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिवाइन आपको इस समय क्या कह रहे हैं, क्या अर्जेंट मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए, आपको किस पर फोकस करने की ज़रूरत है, और कुछ अगर ऐसा है जिसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है तो वो क्या है। ठीक है, डिवाइन आपको बेसिकली किस पर ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं, हम वो देखने वाले हैं। तो यस, जैसे कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो आपको क्या करना है इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, जिस भी ऊर्जा में आप बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से, अपनी इनर वॉइस से कनेक्टेड रहना है, अपनी अंतरात्मा से कनेक्टेड रहना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको दिए जाने वाले हैं, आपकी अंतरात्मा ही आपको बताएगी कि वो मैसेज आपके किस एरिया में जाने हैं, कहाँ पर कनेक्ट होने हैं, और आपको उस गाइडेंस को जो वहाँ पर दी जा रही है उसे वहाँ पर अप्लाई करना है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी कि आप अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करें, आप अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करें, ट्रस्ट करें। ठीक है, तो यस, आप प्रेयर कीजिए, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ओके, लेब्रा तुला राशि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय गुरु जी डिवाइन, जस्ट फिर का प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, समय उनको क्या जानने की ज़रूरत है, कि स्थिति में लिब्रा तुला राशि वालों को क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, मैं आपको वो भी मैसेज दूंगी, डोंट वरी। रिन्यूअल जजमेंट, जजमेंट का कार्ड है। रिव्यूइंग द पास्ट विद कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन, क्लैरिटी ऑन योर लाइफ पर्पस, इन योर हार्ट यू नो व्हाट टू डू। बेसिकली वो जो कार्ड गिरा था वो आपके लिए यही आया था कि आपको अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करना है, और ग्रैटिट्यूड की बेसिकली एनर्जीज में रहना है, पास्ट को रिलीज करना है। ओके, एंजल ऑफ साइकिक एबिलिटी, योर इंट्यूशन, इंट्यूटिव एंड साइकिक एबिलिटीज आर स्ट्रॉन्ग एट प्रेजेंट। ओके, एट ऑफ सोल्स, द इल्यूजन ऑफ इंटरपमेंट, अ लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट मेक्स यू फील हेल्पलेस, बींग अफ्रेड टू टेक एक्शन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ। ओके, आर्कएंजल माइकल, प्रोटेक्शन लैपिस लाजुली, रिलीजिंग फियर। ओके, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, सैक्रेड ज्योमेट्री, डिवाइन ऑर्डर एंड आकाशिक ऑर्डर्स। ओके माय डियर, बॉटम ऑफ द डेक है की, न्यू बिगनिंग्स,
directions and adventures await for those ready to let go of the past. देखो past की ऊर्जा ही आपके लिए आ रही है यहाँ पर. यहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है कि आपको पास्ट का मतलब रिव्यू करने की एक बारी ज़रूरत है, लेकिन किस तरीके से, उसी ऊर्जा के साथ नहीं जैसे आप करते आ रहे हो. थोड़ा कंपैशन, थोड़ी दया लाइए अपने अंदर, थोड़ी एक विनम्रता लाइए अपने अंदर, प्यार की ऊर्जा में टैपिंग कीजिए, माफ़ कीजिए पास्ट को. यहाँ पर ना एक बात आपको मैं बताना चाहती हूँ लिब्रास, इस समय आपके लिए ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो भी यहाँ पर आए हैं लिब्रास, आपके लिए ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देखो इस समय कुछ तो है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, कुछ तो न्यू बर्थ यहाँ पर हो रहा है. कुछ तो है जो डिवाइन आपके जीवन में एक नई डायरेक्शन में आपको लेकर के जा रहे हैं, और आपको बोल भी रहे हैं कि अब वक्त है लिब्रास, आपको न्यू डायरेक्शन की तरफ, नई पाथ की तरफ आगे बढ़ने का समय आ गया है. ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका पाथ रहेगा, ये जो नई डायरेक्शन है, आपको आपका लाइफ पर्पस है, उसमें आपको आपके लाइफ पर्पस को लेकर के वो क्लैरिटी मिलेगी. तो इस समय जो आपका दिल आपको बोल रहा है ना, आपको पता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, आपका दिल आपको बता रहा है. तो इस समय अपने दिल को फॉलो करें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें. ठीक है, अपनी अंतरात्मा की सुने, उस पर ट्रस्ट करें, आप डाउट नहीं करें, क्योंकि इस समय ना आप बहुत ज़्यादा डाउट्स में हो. ठीक है, यहाँ पर मैं साफ आपको वो एनर्जीज बता रही हूँ कि आपके अंदर डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं, फियर भी बहुत ज़्यादा है. कुछ है जो ये जो भी न्यू डायरेक्शन, ये आपके लिए कोई हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा डिसीज़न आपको लेना हो अपने जीवन में. ठीक है, उसको लेकर के भी ये मैसेज है. मैंने आपको बोला ना कि आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही इस मैसेज को लें, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी, क्योंकि ये जनरल मैसेज है. ठीक है, तो आपके लिए कहाँ पर ये मैसेज जा रहा है आपको वहाँ लेने की ज़रूरत है. तो ये जो भी आपके जीवन में एक नई डायरेक्शन आपको दिखाई जा रही है, ये जो भी पाथ आपको दिखाया जा रहा है ना, इसमें सबसे पहली बात तो आप फियर्स को हटा दो. आपको इस समय डिवाइन यह बोल रहे हैं. ठीक है गाइस, एक मिनट. ओके, तो सबसे पहले अपने अंदर के भय को, अपने अंदर के डर को आप रिलीज़ कर दो, उसको निकाल दो कि मेरा इस पाथ में कुछ बुरा है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन है आपके लिए. एंड रिलीजिंग फियर है यहाँ पर. ठीक है, कि आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है. डिवाइन टीम आर्कएंजल माइकल है यहाँ पर, जिन्हें पता है, जो काम कर रहे हैं आपके लिए आर्कएंजल माइकल आए हैं यहाँ पर. और जिनको इनके बारे में नहीं पता है, जो भी जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हो गाइस, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं हमेशा. वो कह रहे हैं डरो मत. ठीक है, इन मैसेजेस को, ये मैसेजेस उनकी तरफ से हैं आपके लिए. ओके, तो वो कह रहे हैं डरो मत इस पाथ पर आगे बढ़ने से. डेफिनेटली ये पाथ आप में से बहुत लोगों के लिए ना क्लियर तो नहीं है, मतलब इसमें ना बहुत इल्यूजन्स भी बहुत हैं. ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए डिसीज़न लेना ईजी नहीं है, मतलब मैं ईजिली इस तरफ आगे नहीं बढ़ सकता. मतलब वो कहते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है अंदर से, आप उस पॉजिटिविटी के साथ या उस कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो इस तरफ, आप डर रहे हो एक्शन लेने से. और लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि डरो मत. ये एक ना, ये आपको इस समय माइंड है आपका जो आपको कैद कर रहा है, जो आपको आगे निकलने नहीं दे रहा है. लेकिन अगर आप इससे आगे निकले, और यहाँ पर खुद डिवाइन जो है, वो शक्ति जो है जिनसे आप कनेक्टेड हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं इससे बाहर निकलने में, तभी आप इस समय यहाँ बैठ करके आप रीडिंग को देख रहे हो और इस मैसेज को सुन रहे हो, इस गाइडेंस को सुन रहे हो. ठीक है, वो आपकी इस समय मदद कर रहे हैं, बस आपको उन पर विश्वास दिखाना है. क्योंकि देखिए, बिना आप उन पर विश्वास दिखाए मतलब कैसे आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो बस आपको उन पर विश्वास दिखाना है इस समय, उन पर ट्रस्ट करना है आपको और आगे बढ़ना है. ये एक फूल की तरह की ऊर्जा है. ठीक है, आपको अपने अंदर के बच्चे से कनेक्ट होना है कि हाँ, आपको रिस्क लेने से नहीं डरना है, आपको नई जगह पर आगे बढ़ने से नहीं डरना है. आपको जो भी आपके जीवन में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कोई नया चैप्टर आपके जीवन में स्टार्ट हो रहा है, उसको स्टार्ट करने से आपको यहाँ पर नहीं डरना है. ओके, तो इस समय जो है, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपनी इनर विजडम को फॉलो कीजिए, अपनी अंतरात्मा को, अपने दिल को फॉलो कीजिए, और जो शक्ति से आप कनेक्टेड हैं उन्हें, उन पर ट्रस्ट कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए, वो आपके साथ हैं. ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आगे बढ़ो. अब ये डिवाइन ना मतलब आपकी लाइफ में जिसे कहते हैं चीज़ों को ठीक कर रहे हैं. ये जो डायरेक्शन आपको दिखाई जा रही है ना, ये वो प्रोसेस है कि आपके जीवन में जो इम्बैलेंस था, जो आपकी ज़िंदगी आउट ऑफ बैलेंस थी, या फिर जहां आप बिल्कुल
गड़बड़ाए हुए थे, मतलब बिल्कुल इम्बैलेंस थे आप, वहाँ पर चीज़ों को बैलेंस किया जाएगा, आपको ट्रैक पे लेकर के आया जाएगा, आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, बट ये उनके लिए ही है जो आगे बढ़ने से डरेंगे नहीं, जो आगे बढ़ने के लिए, इस नए पाथ के लिए, इस न्यू बिगनिंग के लिए, इस न्यू डायरेक्शन के लिए, इस न्यू डिसीजन के लिए रेडी हैं अपने जीवन में। तो आपको बोला जा रहा है बस तैयार हो, अब अपने आप को तैयार करो, वो जो भी पास्ट का एक्सपीरियंस आपका रहा है उसे रिलीज़ करो, क्योंकि ये फियर कहीं ना कहीं से, ये जो इनसिक्योरिटी आपके अंदर आ रही है ना कि मैं ये पाथ मेरे लिए सही है या नहीं, प्रोटेक्टेड हूँ भी नहीं, ये आपके पास्ट से आ रहा है, पास्ट के किसी एक्सपीरियंस से आ रहा है, पुराने एक्सपीरियंस से आ रहा है ये। तो उसको रिलीज़ करो, अपनी फ्रिक्वेंसीज को हाई करो, अपनी एनर्जीज को हाई करो, अपनी ऊर्जा को शिफ्ट करो, इस ऊर्जा में, पॉजिटिविटी में, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। इस समय में आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। साइकिक एबिलिटीज़ आर स्ट्रांग इन प्रेजेंट, योर इंट्यूशन स्ट्रांग, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक पावर्स, आपकी फीलिंग्स, गट फीलिंग्स, जिसे हम आपके आप जो फील कर पा रहे हो कि नहीं कुछ तो है, ये बात सही है मेरे लिए, पर फिर वो फियर आ जाता है, वो आपको पकड़ लेता है, वो आपको आगे नहीं निकलने देता कि नहीं नहीं पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, नहीं बढ़ना आगे, फिर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बोला जा रहा है उसको उसको रिलीज़ करो, उसको रिलीज़ करो पास्ट की ऐसी ऊर्जाओं से ना। हालांकि आपके लिए वो कार्ड नहीं आया है, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि उन पास्ट की मेमोरीज से आप अपनी कोड कट कीजिए, ठीक है। आपको कोड कट करने की ज़रूरत है। आप लोग अगर आपको सेक्रेट ज्योमेट्री की नॉलेज है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा रखा है, आप देख ही रहे होंगे, अगर सेक्रेट ज्योमेट्री के बारे में अगर आपको पता है, थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो आप उसके साथ आप काम कर सकते हो अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने में। नहीं पता है तो जा कर के गूगल कीजिए, ठीक है, जानकारी हासिल कीजिए, बहुत सारी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी आपको उन पर, और नॉलेज आपको मिल जाएगी, आप वहाँ ले सकते हो, ठीक है। तो कुछ लोगों को तो यहाँ पर अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को भी ओपन करने की ज़रूरत है, क्योंकि फियर कहीं आपके, देखो ये जो फियर आ रहा है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस लाइफ टाइम में ऐसा कुछ मेरे साथ, ऐसा कुछ तो नहीं घटित हुआ कि जो मुझे आगे बढ़ने से रोके, पर मैं क्यों डर रहा हूँ या क्यों डर रही हूँ, क्यों मैं इस पर आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्या मुझे चीज़ रोक रही है, होता है ना कुछ ऐसी चीज़ आती है, इट मीन्स वो आपके इस लाइफ टाइम से कनेक्टेड नहीं है, वो आपके पास्ट लाइफ टाइम से कनेक्टेड है, आपके पास्ट लाइफ टाइम में कुछ हुआ है। अगर आप बिलीव करते हो इन चीज़ों में, तो मेरे ख्याल से तो बिलीव ही करना चाहिए, तभी तो आप टैरो देख रहे हो यहाँ पर, क्योंकि कहते हैं ना मैजिक भी उन्हीं के साथ ही होते हैं जो मैजिक पर बिलीव करते हैं। और मेरे ख्याल से आई रियली डोंट नो, इस पर मैं जजमेंट नहीं करूँगी, जज नहीं करने वाली कि प्रैक्टिकल लोग नहीं देखते हैं, देखते तो सभी हैं, खैर ठीक है, ठीक है, मैं मैटर से भटकती नहीं हूँ अपने। तो कहने का मतलब आपको अपनी आकाशिक रीडिंग कराने की ज़रूरत है। मैं पहले बता देती हूँ, मेरे पास आते हैं लोग, मैं नहीं करती हूँ, ठीक है, और मुझे पता नहीं है, आप गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा कोई, मतलब देख लीजिएगा कोई ट्रस्टवर्दी हो तो, ठीक है। तो आप अपनी आकाशिक रीडिंग कराइए, आपको आपको बेसिकली उस जड़ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है कि क्या वो फियर है। जब आप कराओगे या आप उसको उसको एक्नॉलेज करोगे ना, तभी आप उस फियर को रिलीज़ कर पाओगे। अदरवाइज़ ये मतलब जिसे कहते हैं ना, बिना बात के आपको ये डर पैदा करेगा, आप समझ ही नहीं पाओगे। और जिनका इसी लाइफ टाइम का है भैया, आप कोट कट कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, मैं उन लोगों के लिए भी बता देती हूँ, आप ऐसा करके देखिए, क्योंकि मैंने तो ऐसा नहीं किया है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर डिवाइन मुझे ये बता रहे हैं तो मे बी ये आपके लिए काम करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद इतना पे नहीं कर सकते हैं, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स अपने ओपन करवा सकें, ठीक है। तो माई डियर, आप लोग एक काम कर सकते हैं, अगर आपकी आप में उतनी पावर है, मतलब आप उतना ट्रस्ट करते हो, ये सब इंटेंशंस पर काम करता है, ठीक है। इतना स्ट्रांगली अगर आप कर सकते हो, तो आपको सिर्फ ये करना है कि जो भी मेरे पास्ट से ये मेमोरी आ रही है, जो भी ये डर, फियर, जो भी इनसिक्योरिटी मुझे पास्ट लाइफ से आ रही है, मैं उससे कोड कट करता हूँ अपनी, ठीक है। कोड कट का मेथड मैंने, जो मेरी कल की वीडियो है, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है उससे एक दिन पहले की जो वीडियो है, पिछली डे की वीडियो, आप उस पर जाकर देखिए, मैंने उसमें कोड कटिंग बताई है। क्योंकि मैं अगर एक ही बाहर वीडियो में बार बार बताऊंगी ना, तो वो होगा क्या कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो गाइस, आप उसमें जाकर के थोड़ा प्लीज़ स्किप कर करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ लोग अननेसेसरी बोलते हैं कि बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो आप कोड कट कीजिए,
उन मेमोरीज से या फिर उन फियर्स से जो आपके पास्ट लाइफ टाइम से आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप पे बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि डिवाइन अगर यहाँ पर बता रहे हैं मेरे थ्रू आपको, तो ये वर्क करेगा ही करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है ना, एट ऑफ सोर्ड्स से गाइस, वो आपके साथ हैं। अगर आप कहीं हेल्पलेस फील कर रहे हो ना कि ओहो ये क्या बता दिया, ये तो मैं नहीं ही करा पाऊँगा या नहीं करा पाऊँगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स कहाँ से ओपन कराएं हम, ठीक है, या फिर ट्रस्टवर्दी पर्सन मिलेगा या नहीं मिलेगा, डाउट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन्होंने आपको ये एक तरीका बताया है, आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। और अगर आप किसी को जानते हैं तो आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स जो हैं ओपन करा सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, ये मैं पहले फ्रेश कर लेती हूँ कार्ड अपना डेक। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, और क्या मैसेज है आप उनको कहना चाहते हैं, लास्ट मैसेजेस प्लीज़ दे दीजिए अभी के लिए, क्या उनके लिए मैसेज है लिब्रा तुला राशि। मुझे ना लिब्रास, वो आपके लिए बहुत प्यार की ऊर्जा मुझे फील हो रही है, आई रियली डोंट नो, बहुत प्यार की ऊर्जा, बहुत सेफ आपके, आप जिनसे भी कनेक्टेड हो ना गाइस, आपके जो भी इष्ट हैं, बिलीव मी, बिलीव मी, अगर आप उन पर, मतलब वो ना आपसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब बहुत प्यार, एक जैसे कहते हैं ना, मुझे नहीं पता आप किसी मेल डीटी से कनेक्टेड हैं या फीमेल डीटी से कनेक्टेड है, पर उनकी ऊर्जा ना आपके लिए बहुत फेमिनिन है, बहुत जैसे कहते हैं कि ख्याल रखना, केयर करना, प्यार वाली ऊर्जा है उनकी आपके लिए समय, ठीक है। वो आपको मतलब नर्चर करना चाहते हैं, वो आपसे बहुत, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बोलती है ना, वो हौसला भी देती है, वो प्यार भी देती है, आपको वो यही बोल रहे हैं कि इस ऊर्जा से बाहर आओ, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। ओके, लिब्रास के लिए और क्या मैसेज है कि भाई प्लीज बताएं। आंसरिंग द कॉल, माय गॉड, बिल्कुल ही जजमेंट कार्ड ही है, द टाइम इज नाउ, ओ माय गॉड। ये देखो, अगर आप ये देख पा रहे हो, ये लड़की जो है ये दरवाजे से बाहर निकल रही है, ये वो रास्ता दिख रहा है, उस रास्ते पर बाहर जा रही है, और ये देख रहे हैं, ये स्पिरिट गाइड्स हैं, एनिमल स्पिरिट है कि वो रास्ता दिखा रहे हैं। समय आपको ना मतलब बहुत, जैसे कहते हैं साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको दिख सकती हैं, किसी भी तरह से साइंस वगैरह दिख रहे होंगे, या फिर सही, जैसे कि अगर आपको लग, आपको, मुझे पता है यहाँ पे बहुत लिब्रा से ये ऊर्जा कनेक्ट होने वाली है, क्योंकि ये मैसेज मुझे यहाँ पर वो क्लैरिटी, वो मैसेज दे रहा है कि आपको वो गाइडेंस मिल रही है। गाइज आप प्लीज़ आप आगे बढ़ो, आपको डिवाइन बोल रहे हैं, आपको अब उस पाथ पर चलना है जो डिवाइन आपको यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। टाइम अभी है, द टाइम इज नाउ गाइज, ठीक है। अगेन जजमेंट का कार्ड है आपके लिए, द टाइम इज नाउ, आंसरिंग द कॉल, जो आपको अंदर से आवाज़ उठ रही है ना कि हाँ ये मेरे लिए सही है, वो करो, ठीक है, वो करो। थैंक यू। डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। देखो यहाँ पर है, सच्चाई को देखो, सच्चाई को ढूंढो, डिस्कवर करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, उस पर मतलब ट्रूथफुली आगे बढ़ो, मतलब अपने आप को ना धोखा मत दो इस समय, कि अपने दिमाग को हावी मत होने दो, कैलकुलेट मत करो बहुत ज़्यादा चीज़ों को इस समय, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, जहाँ आप कैलकुलेशन में चले गए वहाँ आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको एक बार वो सटल आंसर देती है, एक बार में बहुत प्यार से वो बताती है आपको, ठीक है। डिवाइन की एनर्जीज प्यार की होती है, इंट्यूशन आपको बड़े प्यार से गाइड करती है, प्यार से एक मैसेज देती है, हल्का सा फूलों की तरह, तो उसे पकड़ने की कोशिश करो। जहाँ आप कैलकुलेशन में चले गए, जहाँ आप भावतोल में चले गए ना, वहाँ आपका माइंड आ गया, तो उसकी ऊर्जा में नहीं जाना है, सच्चाई को देखो, समझो, समझने की कोशिश करो, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मेरी इंट्यूशन मुझे क्या बता रही है, मुझे उस पाथ पर आगे बढ़ना है, ठीक है। दिमाग के चंगुल से बाहर निकलो, लाइट को फॉलो करो, ठीक है, सच्चाई की जो रोशनी है ना उसको फॉलो करो, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। ब्यूटिफुल, तो यस माई डियर लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग,
होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हों, मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।